हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजन का कंप्रेसर को कंप्रेसर गियर से कैसे चेक करें, महिंद्रा एक्सेल 3WD का इंजन का कंप्रेसर टेस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास गेज का एक बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग तरह के अडोप्टर मिलते हैं हमें, जैसे कि हम इंजेक्टर में लगा सकते हैं, एटर प्लग में लगा सकते हैं, स्पार्क प्लग में लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक गाड़ी आई हुई थी XC3WD जिसका इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही टक 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 की। ये हमारे को जानना होता था कि इंजेक्टर की आवाज़ है या पिस्टन की आवाज़ है या इंजन ओवर हीट हो गया है। तो कस्टमर ने हमें कुछ भी नहीं बताया था गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं है। उन्होंने गाड़ी हमारे को डिलीवर कर दी थी जिससे हमें गाड़ी को पता लगाना था, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी का हमारे को वारंटी में थी गाड़ी। उन्होंने वारंटी में इंजन मांगा हुआ था कस्टमर ने, तो हमें ये चेक करना था कि किस चीज़ का फॉल्ट है हमारे। तो दोस्तों उन्होंने इसकी आवाज़ को समझा तो बहुत से आईडी लगाए। दोस्तों उसके बाद कंप्रेसर गियर की सहायता से इसके कंप्रेसर चेक किया इंजन का। फिर हमने आइडिया लगाया कि इंजन कंप्रेसर गियर ने हमें बताया कि इंजन खुलेगा या कि नहीं। दोस्तों सबसे पहले हमें या तो हमारा हीटर प्लग होता है हम वहाँ पे भी अडोप्टर लगा सकते हैं गेज का, या तो हमारा इंजेक्टर होता है वहाँ पर लगता है, क्योंकि डेल्फिन के इंजेक्टर हम खोल नहीं सकते हैं क्योंकि ब्लॉक हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए हम जहाँ पे हीटर प्लग होता है हम उसको होल्ड कर वहाँ पे अडोप्टर लगा देते हैं गेज का। अब दोस्तों हमारे को गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, 2-3% लेना है उसके बाद कंप्रेसर आ जाएगा। तो उसके बाद हमें स्टार्ट नहीं करनी क्योंकि हमें इंजेक्टर कपलर पहले हटा दे रहे हैं इंजेक्टरों का। दोस्तों हमारे फर्स्ट पिस्टन का कंप्रेसर आया 370 जो कि हमारा होना चाहिए 375। दोस्तों आपको 2-3% लेना है ओनली, स्टार्ट नहीं करनी है गाड़ी को। देखो हमारा आया 370। तो दोस्तों हम ऐसे ही दूसरे में लगाएंगे फर्स्ट को। दूसरे में हमारा कंप्रेसर आया 360 जिसका होना चाहिए हमारा 375। ऐसे ही दूसरे हम दूसरे को फिट करेंगे हीटर प्लग को, तीसरे को फिर ओपन करेंगे वहाँ पे अडोप्टर लगाएंगे तो हम गेज को लगाएंगे, क्योंकि तीसरे का हमारा 350 कंप्रेसर है पिस्टन का। चौथे पिस्टन का हमारा कंप्रेसर है 400 जो कि होना चाहिए हमारा 375। सभी पिस्टन का हमारा 375 होना चाहिए XC3WD का। तो दोस्तों हमने यहाँ तक आइडिया लगाया कि हमारा इंजन सीज हो चुका था जो कि पिस्टन थे पकड़ कर चुके थे मैन फिगर होते क्रैंक के में भी हमारे पकड़ कर चुके थे। दोस्तों हमने पिस्टन जब इंजन खोला तो हमारा पिस्टन मैन फिगर तो सब ने पकड़ करी हुई थी सर। इसलिए यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़।